एक्सरसाइज 2.3 में सेकंड का थर्ड पार्ट क्या था? एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। एक बहुपद तो ये दे रखा है और दूसरा बहुपद क्या है आपके पास? x के पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को क्या करना है? भाग करना है। तो x की पावर 5 फोर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है किससे? एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। तो दोनों सही तरीके से लिखे गए हैं, घटते क्रम के हिसाब से ये ना पावर। ठीक है, फोकस सिर्फ इसी पे करना है। x की पावर 5 लेके आना है, कितना है? x क्यूब है तो क्या चाहिएगा? x स्क्वायर। तो x स्क्वायर गुना में x क्यूब कितना? x की पावर 5। ठीक, ये माइनस का है वो प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस। x है x स्क्वायर है कितना? माइनस 3x क्यूब। ये बनेगा किसके नीचे आएगा? x क्यूब के नीचे, माइनस 3x क्यूब। ठीक है, लास्ट x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? x स्क्वायर माइनस माइनस के 4x क्यूब है, प्लस का 3x क्यूब है, माइनस का x क्यूब। ठीक है, आगे प्लस का x स्क्वायर है, माइनस का x स्क्वायर है, क्या बचा? प्लस 3x, प्लस में कितना? 1। क्या लेके आना है? माइनस एक्स क्यूब लेके आना है। आपके पास है क्या? एक्स क्यूब है, तो सिर्फ माइनस वन से क्या करना है? मल्टीप्लाई करवाना है। कितना? माइनस एक्स क्यूब, वो भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस कितना? 3x, और फिर प्लस माइनस माइनस कितना? 1। ठीक है, यहाँ पर गलती मत करना, आपको दिखाई देगा कि हाँ लगभग सेम ही आ रहा है, तो सेम साइन मत कर देना, निशानों में ध्यान रखना है। तो अगर निशान, अगर यहाँ पर आपने प्लस लगा दिया तो ये कटेगा, कटते ही शून्य क्या आएगा? शून्य का बन जाएगा, ये गुणनखंड बन जाएगा। ठीक है, वो ध्यान रखना है, ये कितना प्लस, ये कितना माइनस, ये कितना प्लस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो शेषफल कितना आया है? 2 आया है यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपने थोड़ी सी गलती कर दी, इसको भी अगर काट दिया तो शेषफल क्या आएगा? शून्य आएगा, और शून्य आते ही आप कहोगे कि पहला बहुपद क्या है, दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, तो वहां पर आपका ठीक नहीं होगा फिर। ठीक है, आगे सुनने का ये थर्ड सम करते हैं। एक बहुपद दे रखा है आपको, कितना है? 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, इसके सभी शून्य निकालने हैं। कब? जब आपको इसके दो शून्य दिए रखे हैं। ठीक है, दिए गए शून्य, दिए गए शून्य कौन कौन है? वर्गमूल 5/3 और दूसरा क्या है? माइनस का वर्गमूल 5/3। ठीक है, अगर जिनके शून्य दे रखे हैं उसका क्या बनाना है? बहुपद बनाना है। क्या बनाना है? क्योंकि ना मैं इस बहुपद को क्या कर सकता हूँ? बहुपद से ही भाग कर सकता हूँ, मैं शून्यकों से भाग नहीं कर सकता। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो बहुपद, जो शून्य दे रखे हैं उसका क्या बनाना पड़ेगा? पहले बहुपद बनाना पड़ेगा। जैसे ये क्या कहता है, जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, वही 15 को किससे भाग करते हैं? मान लो 15 के क्या कहता है? 15 के टुकड़े करके बताओ, 15 के गुणनखंड करके बताओ। कब? जब उसका एक गुणनखंड कितना है? 3 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 15 को 3 से क्या करते हैं? भाग करते हैं, तो दूसरा अपने पास क्या आ जाता है? बाकी जो बचे हुए हैं वो क्या? गुणनखंड आ जाते हैं। ठीक है, यही यहाँ पर है कि यहाँ पर शून्य दे रखा है और बाकी शून्य निकालने हैं। तो शून्य तो कब आते हैं? जब पहले गुणनखंड बनने चाहिए, गुणनखंड बनने चाहिए, और गुणनखंड किसके बनेंगे? बहुपद के बनेंगे। तो पहले शून्य दे रखे हैं, कितने शून्य हैं? 2। दो शून्यकों से कैसा बहुपद बनता है? द्विघात। तो हम पहले क्या करेंगे, शून्यकों का क्या, बहुपद बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है आपको?
शून्यकों का योग चाहिए होता है, उसका क्या नाम देते हैं? एस। और क्या चाहिए होता है? शून्यकों का गुणनफल, वो क्या नाम होता है? पी। योग करना है तो वर्गमूल पांच बटा तीन में जोड़ोगे क्या? माइनस का वर्गमूल पांच बटा तीन क्या आएगा? जीरो आएगा। एक प्लस का है, क्या है? माइनस। दोनों की गुणा करवाओगे तो वर्गमूल पांच बटा तीन गुणा में माइनस का वर्गमूल पांच बटा तीन, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस। वर्गमूल पांच बटा तीन गुणा में वर्गमूल पांच बटा तीन, तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल पांच बटा तीन का क्या हो जाएगा? स्केयर हो जाएगा। स्केयर से रूट कट जाएगा, गुणा कितनी आई? माइनस के पांच बटा तीन आई। ठीक है, तो बहुपद क्या बनेगा? बहुपद क्या बनेगा? एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस में क्या बनेगा? पी। लिखो एक्स स्केयर माइनस सम कितना? जीरो, तो जीरो गुना में एक्स, प्लस में प्रोडक्ट कितना? तो प्लस माइनस, माइनस कर दो यहाँ पे, कितना? माइनस का कितना? पांच बटे में कितना? तीन। ये जीरो गुना में समथिंग, तो जीरो ही हो गया। तो एक्स स्केयर माइनस क्या बचा? पांच बटे में क्या बचा? तीन। लघुत्तम कितना आएगा? तीन। गुना करवा दो, ठीक है, तीन सबके बटे में है, बाहर आ जाएगा एक बटा तीन, ब्रैकेट में क्या बचा? थ्री एक्स स्केयर माइनस में कितना? फाइव। अगली लाइन में बाहर वाले को छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? थ्री एक्स स्केयर माइनस में क्या आ जाएगा? फाइव। आ गया समझ में क्या? तो जो शून्य दे रखे थे वहां से पहले क्या बनाना है? बहुपद बनाना है। बहुपद बना दिया, अब हम क्या करेंगे? जो सा दिया गया बहुपद था उसको इस बहुपद से क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो हमारे पास भागफल में क्या आएगा? एक और बहुपद आएगा, आएगा ना? जैसे 15 को अगर 3 से भाग करोगे तो दूसरा आएगा ना यहां पर, ठीक है? तो यहां पर हमारे पास क्या है? बहुपद है ना? यहां पर भी क्या है? बहुपद है। इसको इससे भाग करेंगे तो क्या आएगा? बहुपद आएगा। उस बहुपद के हम फिर क्या निकालेंगे? शून्य निकालेंगे, ठीक है? रफ कर दूं इसको, ये कितना है बहुपद? थ्री एक्स स्केयर माइनस फाइव। तो जो दिया गया बहुपद है उसे भाग करना है किससे? थ्री एक्स स्केयर माइनस फाइव। फोकस किस पे करना है? इस पे। थ्री एक्स की पावर फोर है, आपके पास क्या है? थ्री एक्स स्केयर है, एक्स स्केयर, तो कितना? थ्री एक्स की पावर कितना? फोर। फिर एक्स स्केयर को इससे करना है, तो प्लस माइनस माइनस फाइव एक्स स्केयर, ठीक है? ये ध्यान रखना है, जिस सेम पावर वाले के सेम के नीचे ही आएगा। कितना माइनस? कितना? कितना? सिक्स एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्केयर। अच्छा ये बताओ कि अब शेषफल शून्य आएगा या नहीं आएगा? आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि स्टार्टिंग में जो शून्य दे रखे थे ना वो इस बहुपद के थे। इस बहुपद के क्या दे रखे थे? शून्य दे रखे थे दो, उन दो शून्य से हमने क्या बनाया था? बहुपद बनाया था। तो इस बहुपद को इस बहुपद से भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग होगा, तो पक्का है कि शेषफल क्या आएगा? जीरो आएगा, ठीक है? देखो करो कितने पे, सिक्स एक्स क्यूब है, हाँ थ्री एक्स स्क्वायर है, तो क्या चाहिएगा? प्लस का टू एक्स ना, तो प्लस गुणा में प्लस कितना? प्लस, तीन गुणा में दो छः, और एक्स स्क्वायर गुणा में एक्स कितना? एक्स क्यूब, सिक्स एक्स क्यूब। और देखो प्लस माइनस, माइनस के टेन एक्स, माइनस के टेन माइनस, और ये भी कट जाएगा, क्या रहा? थ्री एक्स स्क्वायर माइनस में क्या रहा? फाइव। कितने पे जाएगा? सेम है, तो कितने पे जाएगा? प्लस वन पे जाएगा। कितने पे जाएगा? तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस में कितना? फाइव। ये माइनस का, ये प्लस का, एक बार फिर कैंसिल, कितना आ जाएगा? जीरो। ठीक है, तो दिए गए बहुपद का, दिए गए
बहुपद का दूसरा गुणनखंड क्या आया हमारे पास, वो आया कितना आया, हाँ अन्य गुणनखंड क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना है 2x प्लस में कितना है 1। ठीक, ये वही है द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद को हल करने के लिए क्या करते हैं, मध्य जो पद है उसके दो टुकड़े करते हैं। वो दो टुकड़े कैसे, गुणा कितनी आनी चाहिए और जोड़, हाँ तो जोड़ तो कितना आना चाहिए, यही जो बीच वाला होता है, क्यों इसी के दो टुकड़े करने हैं, और गुणा होती है इसकी और इसकी, तो ये एक गुणा में एक कितना है एक, तो गुणा तो एक आनी चाहिए, जोड़ दो आना चाहिए, एक एकम एक, दोनों ही प्लस के आएंगे तो सारा ही प्लस में है, तो क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना एक्स प्लस में कितना एक्स प्लस में कितना वन। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, क्या आया यहाँ से क्या कॉमन आएगा, क्या आएगा दोनों में से क्या कॉमन आएगा, और दूसरी ब्रैकेट में भी क्या आएगा, ठीक है तो शून्य बनाना है तो क्या आएगा, सिर्फ क्या आएगा माइनस वन आएगा, इसके हिसाब से भी क्या आएगा माइनस वन, इसके हिसाब से भी क्या आएगा माइनस वन, तो माइनस वन तो सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा, क्यों शून्य क्या होता है एक मान होता है, ठीक है तो इसके हिसाब से भी क्या आ रहा है माइनस वन, इसके हिसाब से भी क्या आ रहा है, तो अन्य शून्य क्या आएगा माइनस वन आएगा। पावर कितनी थी, चार, दो शून्य उसने दे रखे थे, बाकी शून्य मैं निकालने बैठा तो मेरे पास शून्य क्या है सिर्फ एक ही आया, ठीक है तो जरूरी नहीं है चार के चार ही आएंगे, हो सकता है तीन भी आ जाए, दो भी आ जाए, एक भी आ जाए, दो उसने दे रखे थे एक मैंने और निकाल दिया, आगे सुनने का ये तो अन्य शून्य, फिर इसके अन्य सभी शून्य पूछे थे उसने, तो यहाँ पर शून्य दोनों ही क्या आ रहे थे, एक जैसे ही आ रहे थे, तो फिर शून्य तो एक ही कहलाएगा क्या माइनस वन। आगे सुनने, अगला देखो फोर्थ क्या है, ये मैंने कल आपको बताया था वही मेथड है क्या, देखो फोर्थ में एक बहुपद दे रखा है, क्या है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू को एक बहुपद किससे जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल कर्मश्य, भागफल कितना है एक्स माइनस टू, शेषफल कितना है माइनस टू एक्स प्लस में कितना तो जी एक्स पता लगाना है। कल यही किया था ना, कितने बहुपद मिलेंगे चार मिलेंगे, ये और ये, किसको किसके सामने कैसे लिखा जा सकता है इसको, है ना इसके बराबर में, इनके नाम क्या होते हैं नहीं, जैसे इसे क्या कहते हैं भागफल कहते हैं, क्या कहते हैं ये भी मैं बता देता हूँ, ये मैं बता देता हूँ, ये दोनों तो मैंने बता दिए, उसे भागफल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं शेषफल कहते हैं, इन दोनों को क्या कहते हैं नहीं वो तो बहुपद के हिसाब से, ये भागफल शेषफल इसके हिसाब से यहाँ पर ये दो होते हैं, भाज्य, ठीक है ये कौन भाजक है किसमें, इंग्लिश में, इंग्लिश में पता नहीं, ठीक है ढूंढ लेंगे बाद में ढूंढ लेंगे, अभी इतना ध्यान रखो क्या है भाज्य जिसे भाग किया जाना है, भाजक जो भाग करेगा, भाग फल भाग होने के बाद में जो फल क्या मिलेगा और हमारे पास बच क्या जाएगा, ठीक है तो क्या इसका नियम बना देते हैं, कौन किसके बराबर होता है भाज्य, किसके बराबर होता है भाजक गुणा में भाग फल प्लस में कितना शेष फल, ठीक है आगे समझ में क्या, तो इसके हिसाब से ये जो आपके पास बहुपद दे रखे हैं ना इनको लिख दो, भाज्य लिखो कितना है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू, भाजक कौन है जी एक्स, भाजक कौन है के गुणा में एक्स माइनस में कितना टू प्लस में
माइनस टू एक्स प्लस में कितना 4, ठीक है आगे समझ में ये। अच्छा ये ब्रैकेट खोल देता हूँ, ये प्लस का है ये माइनस का, तो प्लस माइनस और प्लस प्लस प्लस, तो क्या रहेगा माइनस टू एक्स प्लस का क्या रहेगा 4, ठीक है। तो ये तो क्या है गुणा में है, वो क्या है प्लस माइनस में है, तो वो पहले इधर आएगा यही होगा ना, तो इधर क्या रह जाएगा आपके पास, क्या रह जाएगा जी एक्स के गुणा में क्या रह जाएगा एक्स माइनस टू। सामने क्या था ये था, कितना था एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, इसके साथ कौन था ये था माइनस टू एक्स प्लस फोर, ये इधर आ रहा है प्लस का, क्या हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा और माइनस के क्या हो जाएंगे 4। आगे समझ में क्या, ये जो था इसमें से सिर्फ ये रख लिया एक साइड में, बाकी ये था इसको क्या ले आए इधर ले आए, ठीक है। तो क्या बचा जी एक्स के गुणा में कितना x माइनस टू, ये रहा इज इक्वल टू वो प्लस का था, वो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के 2x क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे और प्लस का 4 क्या हो जाएगा माइनस का। देखो सामने क्या बचा है क्या नहीं बचा है, आपस में वो कुछ कट सकते हैं क्या आपस में, कौन कौन कम हो सकता है कौन कौन ज़्यादा हो सकता है, प्लस माइनस किस में होगा सेम पावर वाला में होगा ना, तो क्या है जी एक्स के गुणा में कौन है एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कुछ है, अकेला ही है एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर कुछ है कहीं पर, तो वो भी अकेला ही है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, प्लस का एक्स है और प्लस के टू एक्स है, कितने हो गए प्लस के कितने हो गए 3, जोड़ रहे हैं ना जोड़ रहे हैं तो सेम जुड़ेगा, जो सेम पावर होती है ना वो वाले जुड़ जाएंगे आपस में, तो ये 1x है वो 2x है कितने हो जाएंगे 3x हो जाएंगे, ये प्लस का 2 है ये माइनस का 4 है माइनस का क्या बचेगा 2। अब आपको चाहिए तो क्या gx चाहिए, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, तो gx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू को डिवाइड करना है किससे एक्स माइनस टू से, ठीक है। तो डिवाइड तो हम ऐसे करेंगे, डिवाइड तो ऐसे ही करेंगे ना, तो जी एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जी एक्स कैसे आ रहा है इसको भाग करना है इससे एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू को भाग करना है किससे एक्स माइनस टू से, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा जी एक्स आएगा, कितने पे एक्स क्यूब है एक्स है एक्स स्क्वायर कितना एक्स क्यूब, ये माइनस का है वो प्लस का है प्लस माइनस माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर कितना माइनस कितना प्लस क्या बचा, ये माइनस के थ्री एक्स स्क्वायर है ये प्लस का टू एक्स स्क्वायर है माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू कितने पे एक्स है आपके पास, हाँ माइनस का वन फिर बोलते नहीं है सीधा एक्स बोल देते हैं माइनस एक्स, ठीक है प्लस माइनस एक्स गुणा में एक्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स गुणा में दो टू एक्स, ठीक है प्लस का प्लस के थ्री एक्स माइनस के टू एक्स प्लस के एक्स माइनस में कितना टू, कितने पे जाएगा कैसे एक्स माइनस टू है कितने पे जाएगा प्लस के वन पे जाएगा, ठीक है कितना आया एक्स माइनस टू ये माइनस ये कितना प्लस कैंसिल हो गया कितना आया, ठीक है जी एक्स तो कैसे आना था इसको भाग करना था एक्स माइनस टू से, एक्स माइनस टू से जब मैंने भाग किया तो जो मेरा भागफल आना था वो क्या आया मेरा जी एक्स आया है, तो जी एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में कितना वन, आगे समझ में क्या ये। अब आपको बताना है पांचवा जो सवाल है वो आपका सीसीटी है, ठीक है
क्या कहता है देखो, बहुपद कौन कौन से हैं, टी एक्स है, जी एक्स है, क्या वो एक्स है और विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों। ये कहता है कि ऐसा कोई मेरे को उदाहरण दो जिसमें घात पी एक्स बराबर किसके आए, घात क्या हुआ। अच्छा ये पी क्यू ये कौन है इनमें से किसको, हाँ यानी पी एक्स को हम भाग करते हैं किससे, जी एक्स से भाग करते हैं, तो क्या आता है, क्या हुआ एक्स आता है, बचता क्या है। ये क्या कहता है कि ऐसा उदाहरण दो, अब इन सभी की जगह पे ना कुछ कुछ लिखना पड़ेगा ठीक है, ताकि घात पी एक्स मतलब इसकी घात और घात क्या हुआ एक्स इसकी घात दोनों की घात सेम होनी चाहिए। सेम होने की मतलब अगर मैं यहां पर क्या द्विघात बहुपद ले लूं, क्या ले लूं, तो उसको किसी बहुपद से भाग करूं तो यहां पर जो सबसे बड़ी घात आनी चाहिए वो भी द्विघात ही आनी चाहिए। सोचो ये आपको सोचना है, कोई भी बहुपद लिखा दो उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ पावर बराबर चाहिए। मुझे पावर क्या चाहिए, मान लो यहां पर मैं चलो हम ले ही लेते हैं द्विघात बहुपद ले लेते हैं ठीक है, आपकी मर्जी से कुछ भी लिखवा दो, द्विघात बहुपद लिखवा दो बस, एक्स स्क्वायर ये ले लेते हैं ठीक है। अब ये कहता है कि इसकी पावर भी ना पावर टू ही होनी चाहिए, इसकी पावर क्या होनी चाहिए टू, तो फिर मैं भाग किससे करूं, एक से भाग कर देते हैं, किससे भाग कर लेते हैं, एक से भाग करवाओगे तो इसकी पावर भी क्या आएगी एक्स स्क्वायर ही आएगी है ना। अगर मान लो इसके साथ में क्या लगा देता, मैं फाइव लगा देता, क्या लगा देता, तो फिर कितने से मान लो फिर अगर मैं फाइव से भाग करते है ना कितने पे जाता, एक्स स्क्वायर पे जाता, कितने पे जाता, तो क्या आता इसकी पावर और इसकी पावर बराबर आ रही है ना। सिर्फ इनसे क्या मांगा है, उदाहरण ही मांगा है, सिर्फ उदाहरण मांगा है इसने, जहां पर क्या होना चाहिए पी एक्स की पावर और क्या हुआ एक्स की पावर क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। दे दिया उदाहरण कि 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को भाग कर लेना, किससे 5 से भाग कर लेना, तो आपका जो qx आएगा उसकी पावर और इसकी पावर दोनों की क्या आएगी सेम आएगी। आगे समझ में गई, आगे कितना भी आए शेषफल कितना भी बचे उससे कोई मतलब नहीं है, उसने सिर्फ इतना मांगा था कि घात px बराबर क्या होना चाहिए घात qx, qx के ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है, कौन कौन सी पावर, घात सेकेंड पार्ट इसका क्या है कि घात क्या हुआ एक्स बराबर क्या होनी चाहिए घात आर एक्स। अब बोलो ये पी एक्स है, यहां पर, यहां पर कौन है जी एक्स है, यहां पर कौन है क्या हुआ एक्स है, यहां पर कौन है। अब ये इसकी घात और इसकी घात सेम मांग रहा है, यहां पर कितनी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर कितनी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो कहता है कि इसकी घात और इसकी घात सेम आनी चाहिए। ऐसा कोई उदाहरण दो आप, यहां पर आपकी मर्जी है, चाहे आप द्विघात ले लो, चाहे तीन घात ले लो, चाहे चार घात वाला कुछ भी ले लो, इसकी घात और इसकी घात सेम होनी चाहिए। मतलब इसकी घात अगर रैखिक बनेगी यानी x की पावर अगर 1 बनी तो यहाँ पर भी x की पावर 1 बचनी चाहिए ठीक है। यहाँ पर अगर x की पावर 2 लिखवाओगे सबसे बड़ी तो यहाँ पर भी x की पावर 2 बचनी चाहिए। लिखवाओ बोलो, शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी, पी एक्स से और जी एक्स से ही करनी पड़ेगी, तभी तो भाग करके देखेंगे। तो यहाँ पर कौन सा ले लेते हैं, कौन सा ले, द्विघात ही लेना है, तो 4x की पावर 5 तो द्विघात तो नहीं होता, वो तो पावर 5 है, कुछ भी ले लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस में कितना 2x प्लस में कितना ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर मैं रैखिक लेके चलता हूँ, क्या लेके चलता हूँ रैखिक को, रैखिक से मल्टीप्लाई करूँगा तो पावर 2 तो आ जाएगी, शेषफल में रैखिक बचना चाहिए, बच जाएगा देख लेते हैं। देखो जैसे x सिर्फ अकेला x से भाग करता हूँ, सिर्फ किससे भाग करता हूँ, कितने पे जाएगा 4x, कितने पे जाएगा 4x,
कितना आया? 4x। और कुछ आएगा? नहीं आएगा ना। क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। घटाना ही पड़ेगा ना, घटाने पर घट गया। क्या बचा? भागफल की और शेषफल की घात कितनी है? बराबर है। इसकी पावर भी 1 ही है ना, इसकी पावर भी कितनी है? 1 ही है। तो उसने यही मांगा था क्या? घात क्यू एक्स, इसकी घात बराबर होनी चाहिए घात आर एक्स की, ये रहा बराबर है। ये आपको अपनी मर्जी से सोचने हैं, ठीक है? और जहाँ पर सोचने का काम है वहीं पर फिर आपकी सीसीटी आती है। अरे तभी तो ले सकते हैं, सिर्फ ये करना है, इस पर फोकस करना है। पी एक्स क्या ले रहे हो, जी एक्स क्या ले रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वो क्या मांग रहा है कि क्यू एक्स की घात और आर एक्स की घात बराबर होनी चाहिए। मतलब जैसा बहुपद की, जैसा रैखिक बहुपद यहाँ पर है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? रैखिक होना चाहिए। यहाँ पर पावर बड़ी ले लोगे तो यहाँ पर क्या बना सकते हो? द्विघात बना सकते हो, तो फिर नीचे भी द्विघात बचाना है, ठीक है? वो आपके ऊपर है कि आप किसको किससे भाग करोगे ताकि यहाँ पर भी जो घात बनती है वही घात यहाँ पर बननी चाहिए, ठीक है? आगे समझ में गई? लास्ट पार्ट क्या है इसका? घात नहीं, नहीं नहीं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, घात आर एक्स बराबर जीरो, तो इसका मतलब शेषफल सिर्फ जीरो आना चाहिए, उसके अलावा भी कुछ आ सकता है? अगर शेषफल में 5 बच गया तो उसमें घात कितनी है? अगर शेषफल 5 बच गया तो उसमें घात कितनी है? जीरो है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार शेषफल जीरो ही चाहिए आपको। अगर आपको घात जीरो चाहिए तो मतलब नीचे क्या बचेगा? कॉन्स्टेंट क्वांटिटी बचेगी, कॉन्स्टेंट बचेगा, अचर बचेगा, चाहे वो जीरो है, चाहे 10 है, चाहे 50 है, चाहे 100 है, कुछ भी है। ले लो कोई भी एग्जांपल, किसको किससे भाग करें? द्विघात को किससे भाग कर लें? x प्लस 1 से कर लेते हैं, कितने पे जाएगा? मतलब ये दोनों काटने हैं ना, ये दोनों गायब करने हैं, तभी तो कॉन्स्टेंट बचेगा, ठीक है? तो x को कितना? एक्स केयर, एक्स एक्स से कम एक्स, ठीक है? तो यहाँ पर घात कितनी है? जीरो ही। चर की घात कितनी है? जीरो। यहाँ पर 5 लिख लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 लिख लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अचर कुछ भी आ सकता है। ध्यान रखना ये क्या है, लिखा क्या आ गया है, ठीक है? यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि शेषफल जीरो ही आना चाहिए। यहाँ पर घात पूछी है, आर एक्स जो बहुपद बनेगा उसकी घात क्या आनी चाहिए? जी।